ये बच्चे का हाथ देखिए, हाथ टूटा हुआ है और एक लकड़ी के सहारे उसको बांध दिया गया है। वो बच्चा का बैग नहीं है और ढोने भी नहीं सकता हाथ टूटने के कारण, तो इसलिए उसको बैग दे रहे हैं। जोहार, फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आशा है आप लोग अच्छे ही होंगे। और चलिए आज का वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा ही होगा, कुछ दिन पहले हम लोगों ने कलकत्ता गए थे और वहाँ से बच्चों के लिए जर्सी लाया था, तो वही जर्सी आज बांटने का प्लानिंग है। सब बच्चों को वो जर्सी देने का प्लानिंग है, तो वही सब बच्चे लोग बनाए हैं, मैडम और भाई सब कोई को एक एक करके सब जर्सी बच्चों को दे रहा है। और चलिए इलोन को पहनाते हैं और पहन के इलोन का एक फ़ोटो भी लिया जाए। और ये देखिए ऐसा दिख रहा है ये वाला जर्सी, अभी इलोन शायद खेलने वाले हैं, तो फोटोशूट तो हो गया। तो चलिए अब लोग आगे वीडियो में बने रहें और बात करते हैं जितने भी अभी नए बच्चे फुटबॉल खेलना चालू किए हैं, तो ये लोगों जितने बच्चे हैं हमारे गाँव के अभी खेल कूद और पढ़ाई में कम फुटबॉल में ज़्यादा ध्यान दें, तो ये लोगों के लिए भी हम यही बोलना चाहेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों भी देख रहे हो और जितने मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो हम यही बोलना चाहेंगे आप लोगों खेल के साथ साथ अपना पढ़ाई पे भी ध्यान दें। वैसे आप लोग बोलेंगे तो हम क्यों दे रहे हैं, तो यही एक शौक था क्योंकि हम लोगों बहुत फुटबॉल खेले हैं और बच्चे के लिए कुछ सोचे हैं कि नहीं चलो बच्चे लोगों में अगर खेले रहे हैं तो इन लोगों के लिए भी एक जर्सी होना चाहिए। इन लोग बहुत पहले से बोलते आ रहे थे, तो इसलिए हम लोग अपनी तरफ से गिफ्ट किए हैं और बच्चे लोगों को जितना हो सके हम लोग खुश रखने का तो खुश किए। और उसके बाद ये रहा बैग एक बच्चे के लिए जो एक हाथ टूटा हुआ है, और दिक्कत यही है वो स्कूल ले जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, छोटा बच्चा है और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ही ख़राब है। तो हम लोग जब सुबह को देखते हैं जब स्कूल आता जाता है तो थोड़ा सा दुख लगता है, तो इसलिए छोटा वाला भाई संजय बाज़ार से ये बैग लाया है। और ये देखिए वो बच्चा है, वहाँ हाथ टूटा हुआ, उसका हाथ एक लकड़ी के सहारे उसको बांध दिया गया है और वो भी पुराना क्या पता नहीं क्या कपड़ा है उससे। देखिए पीछे साइड आप देखिए, देखिए एक छोटा सा लकड़ी है उसको लकड़ी के सहारे देखिए कैसा बांध दिया है। तो इतना उसका स्थिति घर का ख़राब है और देखने वाला भी कोई नहीं। तो चलिए तो हम लोग सोचे स्कूल बैग ले जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है क्योंकि वो झोला में लेके जाता है छोटा बच्चा, तो इसलिए हम लोग उसके लिए ये बैग देने वाले हैं। और ये रहा उसका नया बैग। और चलिए आज का वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कुछ छोटे बच्चों को जितने हो सके खुशी दे सके। और हम लोग का समय में तो उतना पॉसिबल नहीं था कि हम लोगों को कोई इतना सपोर्ट करे, तो हम लोग से जितना होता है करते हैं, छोटे बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि चलो कहीं से कुछ खुशी मिल जाए बच्चों के चेहरे पे, और कभी आप लोगों को भी ऐसा मौका मिले और ऐसा लगे कि नहीं किसी बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए कुछ देना चाहिए, तो जहाँ तक हो सके आप लोग उसको ज़रूर सपोर्ट करें। और बस यही सब बोल के ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अभी तक ये वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे ओर से जोहार, टाटा, बाय बाय।